हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करने वाले एरोमा के ह्यूमिडिफायर के बारे में। ये रहा उसका बॉक्स, काफ़ी नॉर्मल सा बॉक्स है। तो आज जो है मैं आपके साथ इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका प्राइसिंग क्या है, और आप जब इसे खरीदते हैं तो इसके साथ आपको अलग से जो फ्रेग्रेंस खरीदने पड़ते हैं तो उसके अंदर आपको कौन सी सारे फ्रेग्रेंस, कौन सी सारी स्मेल्स और इसे कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। अगर हम बात करें इसके बॉक्स की तो काफ़ी नॉर्मल सा बॉक्स है। इसे खुलते हैं अभी, तो मैं एक हाथ से खुल रहा हूँ इसलिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और एक हाथ से शूट कर रहा हूँ। तो ये जो पहली चीज़ हमने इसमें से निकाली वो है इसका DC-AC अडेप्टर। मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल वही है जिससे आप इसे प्लग इन करके स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें से निकालते हैं वो है इसका ह्यूमिडिफायर। ये रहा ह्यूमिडिफायर, ये उसका स्विच ऑन बटन है और यहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं और एक बात आपको बताना भूल गया कि जब कभी आप इसे ख़रीदते हैं तो आपको इसके साथ जो ये एरोमा है या फिर फ्रेग्रेंस है, आप इसे अलग से ख़रीदना पड़ता है। मैंने एक 200 रुपये में रेसबेरी फ्लेवर का ख़रीदा था। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसे इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो है इसका एरोमा है, तो जैसे आप इसे खोलते हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे खोलने की, जैसे इसके अंदर सारा ट्रिप कर दें तो उसके बाद इसे खोल दें और उसके अंदर थोड़ा पूरे तरीके से पानी ने पूरा फिल नहीं करना है, और कुछ बूंदे जैसे कि 4 या 5 बूंदे एरोमा ऑयल की डाल दे, इसे इस तरीके से बंद कर दे और जो आपका DC-AC अडेप्टर है उसे प्लग इन कर दे। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो पानी यूज़ करेंगे, अगर वो RO फिल्टर पानी हो तो आपका जो एरोमा ह्यूमिडिफायर है उसकी लाइफ जो है और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है जिसके बारे में आप इस प्रोडक्ट के लेके इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दे सकूँ। और आज के लिए तो दोस्तों इतना ही। तो भूलिएगा मत कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।